इतनी सारी चीजें दिए जा रहे हो आपकी शॉप पे, इतनी सारी चीजें, जब तक बाहर निकलूंगा ना तब तक बिल्कुल पेट में जगह नहीं बचेगी और कुछ ट्राई करने के लिए। लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, पूरा दिन स्नैक्स के आइटम टेस्टी, एकदम फ्रेश, एकदम चटनी वगैरह एकदम ताजी बनी हुई है। जैसे आपने मथुरा के पेड़े सुने होंगे, वैसे गुजरात के पेड़े बहुत फेमस है। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी, और ये है राजकोट सीरीज का लास्ट एपिसोड। पिछले कुछ हफ्तों में आपको राजकोट का बेस्ट खाना दिखाया और अब बारी है लास्ट एपिसोड की। गुजराती खाना दिखाते दिखाते अभी हम लोग पहुंच गए राजकोट में, और राजकोट में जो अगली चीज आपको दिखा रहे हैं वो है भूंगरा बटाटा। बेसिकली एक आलू की डिश होती है जो बहुत स्पाइसी होती है, और उसके साथ फ्राइम्स मिलते हैं। एंड कुछ नहीं करना, अपने आलू मिलेंगे उसको ऐसे डालना है और ऐसे डालना और खा जाना है, वेरी सिंपल। आइए दिखाते हैं क्या चीज़ है और कहाँ पे आए हैं। ठीक है भैया, इतने ऑथेंटिक तरीके से बता रहे हैं भैया, को हिंदी नहीं आती, बिल्कुल गुजराती में बात करेंगे। ठीक है भैया, एक प्लेट लगा दो। इधर देखो, फॉइल डाली और ये आलू के पीसेस है। इसमें मसाला पड़ता है, लहसुन का मसाला पड़ता है। ये क्या सुबह सुबह ही बना देते हैं आलू? अभी दोबारा कब बनाते हो? या धनिया है वो तो दिख रहा है। ये तीखा होता है? हाँ ये तीखा होता है। तो लोग इसको नाश्ते में खाते हैं कि कैसे? नाश्ते में खाते हैं, या मतलब नाश्ते में या दिन भर। और ऊपर से क्या है ये भी तीखा चटनी रहता है? ये मीठा है, तो उसके साथ ये लहसुन की चटनी के साथ भी तो मीठा डाला, डबल मीठा। ये भी तीखा है? दोनों तीखा है। अच्छा वो मीठा है, दो तीखे चटनी एक मीठा चटनी, नींबू डाल के पूरा अच्छा प्रेजेंटेशन है ये। और कितने रुपए का है ये? तीस रुपए का। इसको ऐसे ही खाना है? ये इसके साथ खाना है। ये जय जय कुंडलिया कॉलेज के सामने हम लोग एक खाऊगली टाइप सी है, वहाँ पे हम लोगों ने जो आपकी स्क्रीन पे स्टॉल आ रहा है, इन भैया से हमने भूंगरा बटाटा लिया है। बेसिकली एक स्पाइसी आलू की एक सब्जी होती है, ड्राई सब्जी, जिसके ऊपर उन्होंने स्पाइसी चटनी और फिर स्पाइसी तरी और फिर हल्की सी मीठी वाली चटनी और फिर नींबू और फिर धनिया वगैरह डाल के एक आपको प्रॉपर डिश दी है इन 30 रुपीस। एंड साथ में ही आपको फ्राइम्स या फिर नड्डे मिलते हैं। मैंने और भाई ने ये सेम चीज़ बरोड़ा में खाई थी, तो हम लोगों को पता है। अगर आपको नहीं पता ये इसको कैसे खाते हैं, तो एक बार ऐसे तोड़ते हैं, दिखाता हूँ मैं। आई विल डेमोन्स्ट्रेट। चीयर्स। बेसिकली तोड़ने तोड़ने में वो फीलिंग हो जाती है इसके अंदर भी, तो फिर बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया, मतलब चटपटे फ्लेवर का है, टिपिकल स्वराष्ट्र के काठियावाड़ी फ्लेवर है इसमें। वो लहसुन की चटनी, आई थिंक अगर एक इंग्रेडिएंट से पहचान हो सके ना काठियावाड़ की स्वराष्ट्र की, वो है गार्लिक। यहाँ पे हर चीज के साथ मिल जाती है, कहीं पे जाओ कैसे भी। और जब तक हमारा ना ये शूट चल रहा था ना, अब क्या होता है शूट चल रहा होता है, तो फिर जब तक पूरे शॉट्स नहीं आते तब तक फिर प्लेट बढ़िया बचा के रखनी चाहिए। और साथ वाली जगह से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी ना बड़े की, वो भी भैया का स्टॉल है, तो मैं तो सांभर पे अटैक करने लग गया था। डन, ओके। ओवरऑल काफ़ी मस्त चीज़ है जो लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं और मेरे हिसाब से शाम को भी खाते हैं, पूरे दिन खाते हैं स्नैक्स, पूरा दिन स्नैक्स के आइटम है। टेस्टी, एकदम फ्रेश, एकदम चटनी वगैरह एकदम ताज़ी बनी हुई है, स्पाइसी अच्छी है। गुजराती में इस बोर्ड पे जो आप देख रहे हैं उस पर लिखा हुआ है भूरा भाई बटाटा वाला। कभी भी आप इस एरिया में आए, कॉलेज कुंडलिया कॉलेज के सामने कभी भी आप आए, भूरा भाई बटाटा वाले से भूंगरा बटाटा खाइए। अपनी अगली जगह पे आए हैं वीडियो की, और आपको दिखा रहे हैं राजकोट की फेमस चिक्की। भाई लोनावला की चिक्की तो सुनी थी, बट राजकोट वालों से पूछा तो वो बता रहे हैं कि भाई राजकोट की चिक्की भी बहुत ज्यादा मशहूर है, ऐसा जी? बिल्कुल दीप भाई, यहाँ के राजकोट के लोकल हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं और हमें हेल्प कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया खाने एक्सप्लोर करने में। बता रहे हैं कि लोनावला की चिक्की जितनी ही फेमस राजकोट की चिक्की है, बट क्या फर्क होता है यहाँ पे रमी ने देखो, मूंगफली और तिल की चिक्की सबसे यूनिवर्सल, मतलब फेमस राजकोट में मूंगफली और तिल की चिक्की ज्यादा चलती है, बहुत ज्यादा चलती है। ओके चलती है, बाकी उनके फ्यूजन भी टाइम बाय टाइम जैसे अपडेशन जमाना चलता है वैसे दिखाते हैं, चिक्की में भी होता है। आपको ज्यादा पता, आपको जो जो पता ना आप वो निकलवा दो, वो अपनी सबसे अपने हिसाब से निकल दे। ठीक है, पता है आपको भी, पता है उनको भी, पता है मेरे को ही नहीं पता, उसके लिए मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वेजी भाजी को फॉलो करना पड़ेगा। आइए लाइक गाइस, अब मैंने काफी ज्यादा समझ लिया है, अब दीप भाई और शॉपकीपर के अलावा मुझे भी पता है क्या क्या है। हमारे पास ये वाला डब्बा हमने अभी खुलवाया है,
इनके पास बहुत सारी टाइप की चिक्कियां है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइप की चिक्कियां इस डब्बे के अंदर है, तो एक आइडिया लग जाएगा अपने को क्या है। दीप भाई ये वाली आप कह रहे हो सबसे ज्यादा, मतलब जो आप पीनट वाली कह रहे थे, पीनट वाली है इसके अंदर, और वो तिल वाली, तिल वाली है। मैंने बहुत सारी चिक्कियां डाल ली है, अब इसके अंदर ये वाली जो है, जैसे कुछ तो है जो मतलब बहुत टाइम से लोग खाते रहे, तो पूरे राजकोट में ये पीनट, पीनट की मिलेगी, प्योर पीनट की चिक्की जो है ये, दिस इज जिसके लिए राजकोट जाना जाता है, ये वाली और एक ये वाली तिल वाली। ये भाई पीनट बटर वाली टेस्ट करोगे, एसॉर्टेड चिक्की है ये, ये लो नॉर्मल है और ये सब एसॉर्टेड, ये पीनट बटर चिक्की है, अच्छा एसॉर्टेड ये सारी फ्लेवर है, और ये मैं राजकोट वाला टेस्ट करता हूँ, राजकोट में राजभोग वाला। ये तो आप खाई सकते हो, पीनट बटर वाली तो बहुत सॉफ्ट है, जो लोनावला वाली चिक्की होती है उसमें ग्लूकोज डालते हैं, बताओ वो थोड़ी ज्यादा हार्ड होती है, हार्ड होती है। ये कितना महीना चलती है, 2 महीने चलती है, और ये और सारी ये चिक्कियां ही है, एक बार आएंगे पास में आप बताएंगे सबसे ज्यादा कौन सी चलती है चिक्कियां। रोलिंग जो जल्द पास चलती है, गुड़ वाला सिंगने का है, तिल का है, चने का है, वो सब ज्यादा चलती है, बाकी जो ऐसे मिक्स वैरायटी भी ज्यादा चलती है जो फेमस है। मिक्स वाला ये जैसे ये 1 किलो का पैकेट है, ये 750 ग्राम का है, ये कितने का होता है, ये 290 रुपए का है, 290 रुपए का। और जो मतलब रनिंग में जैसे ये वाला पैकेट होता है ये कितने का होता है, 750 ग्राम 120 रुपए का है। अच्छा रनिंग जो मूंगफली का है, तीन का है, सब 450 ग्राम 120 रुपए, 450 ग्राम के वो ज्यादा पैकेट रखे, और मिक्स वाले 750 ग्राम। मतलब मेरे को पर्सनली ये वाली जो चिक्की है लोनावला वाली चिक्की से ज्यादा पसंद आई, क्योंकि वो थोड़ी सख्त होती है, सबकी प्रेफरेंस होती है ना, ये एक हाथ से टूट रही है, वो नहीं टूटती, और वो साइज में भी छोटा होगा, नहीं वो साइज तो चलेगा, वो इतना हो जाता है नहीं होता, सिर्फ ये प्योर गुड़ की बनी है, प्योर गुड़ का ही बना हुआ है। वेरी नाइस, एक नई चीज आज पता चली राजकोट की चिक्की के लिए फेमस, और ये वाले राजभोग वाले नारियल का, इसकी शेल्फ लाइफ कम होगी, इसका कितना टाइम, 2 महीने चल जाता है, ये फिर तो अच्छी है, नारियल का बहुत अच्छा फ्लेवर है, समथिंग जो ओपन है, खाने के बाद हल्की सी आधी चिक्की खाओ और चीनी भी कम है और क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो जाता है। में क्या है कि खाने के बाद एक डेजर्ट के तौर पे लोग चिक्की खाना बहुत पसंद है, पीनट बटर की चिक्की लाइक पंच टाइप की है, गोट के बनाते हैं ना एकदम पतला वाला बारीक वाली, बहुत अच्छी टिक्की है, और चिक्की के ना फ्लेवर्स कॉम्बिनेशन इतने प्यारे हैं ना, अभी स्क्रीन पे आपके आ रहे होंगे, और इन्होंने नाम तो लिखे हैं उसके साथ ये भी लिखे हैं क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो पूरा डिस्प्ले पे लगा रखा है। मैंने लिटरली सोचा था एक चिक्की है बहुत फेमस है राजकोट में, तो राजकोट में बिना चिक्की खाए जाना नहीं दिया, बस इतनी ही वैल्यू दे दी मैंने उसको सोचने में, पर अब वो मेरी लिस्ट में बहुत टॉप पे आ गई है, अब मैं किसी भी और शहर में जाऊंगा ना वहां जाके डीप भाई को स्पेशली वीडियो कॉल करूंगा जब सब्सक्राइब बोल रहा होगा, वो सब्सक्राइब का शाउट आउट कॉल आउट ना बहुत अच्छा दे गया, लेकिन भैया रहते स्मूथ इसी बात पे कर दो, इसी बात पे इक्की जरूर खाना, ट्राई करना बहुत। मैं ना हमारे एक और दोस्त है आनंद भाई 8 & Drive, वो बता रहे थे कि ऐसी एक चिक्की राजकोट की प्रसाद में भी जाती है जी, किधर सोमनाथ जी बहुत मतलब फेमस राजकोट की चिक्की है, और ये देखो हमें दिल्ली बैठे पता ही नहीं रहता ये चीजें चल रही है, एक नंबर। राजकोट के खाने के इस एपिसोड में आपको दिखा रहे हैं हम लोग बढ़िया से फरसान नमकीन, कहाँ पे आए हम लोग, कोटेचा स्कूल के जस्ट सामने मेरे पीछे है बजरंग फरसान, और यहाँ से हम लोग खाएंगे अलग अलग वैरायटी की गुजराती चीजें, आज दिखाता हूँ क्या क्या किस चीज के लिए आपकी शॉप फेमस है, पहले तो ये बताओ। ये जो हमारी चीज है वो फाफड़ा गाठिया है, फिर शुद्ध घी की देसी घी की केसर वाली जलेबी यहाँ बनाते हैं हम, अच्छा, और ये पापड़ी गाठिया है उसके लिए हमारे शॉप, मेरे को बता रहे थे कि सुबह एक मतलब 1-1.5 बजे तक बंद हो जाता है, हाँ 1:30 बजे बंद हो जाता है, हाँ सुबह 6:30 से लेकर 1:30 बजे तक चालू रहता है कंटिन्यू, फिर 1:30 से 5 बंद है, तो सुबह 6:30 बजे क्या मिलता है, सुबह 6:30 बजे लाइव ये फाफड़ा गाठिया बनता है, और देसी घी की जलेबी बनती है, और ये वनीला गाठिया करके बोलते हैं, वो फेमस हमारे प्रोडक्ट, वनीला गाठिया भी पड़ी है क्या, ये सुबह लाइव बनती है, ये लाइव बनता है, और जो कस्टमर है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 7:45 बजे आ जाते हैं, तो मतलब नाश्ता करने आते हैं, नाश्ता या हमारे पार्सल ही है सुविधा, अच्छा नाश्ता करने या पैसे नहीं और लिखा हुआ है, ये वनीला गाठिया, ये वनीला गाठिया है, तो ये इसमें और नॉर्मल गाठिया में क्या फर्क रहता है या फिर फाफड़ा में,
पापड़ा और इसके अंदर दोनों में वो हैंडमेड है ये दोनों, पर ये जिसको वनेला बोलता है वो उसको हाथ को ऐसे बना दे, ये पापड़ा जो है वो ऐसे ऐसे जो हाथ हाँ हाथ से बना दे, ये वनेला, ये वनेला है और ये जो है वो पूरे का पूरा फेमस है। और ये आपका वो होता है ये जो है वो ड्राई कचौरी है, ड्राई कचौड़ी है। अच्छा, मैं इसे इसी में एक एक कचौड़ी ही दो। आप एक्चुअली इतनी सारी चीजें दिए जा रहे हो, आपकी शॉप पे इतनी सारी चीजें, जब तक बाहर निकलूंगा ना तब तक बिल्कुल पेट में जगह नहीं बचेगी और कुछ ट्राई करने के लिए, क्योंकि टोटल हमारे पास 75 प्रोडक्ट्स है, हम तो हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग। तो ये ड्राई कचौड़ी, इसके अंदर किशमिश दिख रहे हैं, थोड़ा खट्टा मीठा मसाला टाइप है, खट्टा मीठा मसाला है। ओके, इसकी लाइफ है वो 3 महीने का है। अच्छा, तो ये कब से है, मतलब ये शॉप? ये शॉप है 1984 से, यानी कि ये 30 साल कंटिन्यू है। बहुत अलग और बहुत डिफरेंट बता रहा है, एक तो किशमिश का जो क्रंच आ रहा है, वाइट आ रही है, बहुत मतलब खतरनाक है। और उधर मैं देख रहा था, उधर आओ, उधर आ जाओ, दिखाता हूँ आपको। ये है, ये पापड़ी गाठिया है, पापड़ी गाठिया बोलते हैं इधर इसको भी, पापड़ी गाठिया बोलते हैं। ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। हाँ जी, सॉफ्ट सॉफ्ट होती है खाने में, सॉफ्ट होती है कि आपके मुंह में जाते ही ये पूरे का पूरा वो। मैं अभी अपने दोस्त से बात ही कर रहा था, मैंने उनको बोला इसको दांत की जरूरत नहीं, जीभ से टूट जाती है, जीभ से टूट जाता है, ऐसे मैंने रखा, ये जीभ की फोर्स से टूट जाएगी। नहीं, मम्मी को बहुत अच्छी लगती है ये। अच्छा, ये बताइए कि पापड़ी के आटे और गाठिया के आटे और वनीला गाठिया के आटे, पापड़ा के आटे में क्या फर्क होता है? नो, तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, और ये जो पापड़ी होती है उसके अंदर अजवाइन नहीं आता है, अजवाइन नहीं आता है, बाकी ऑलमोस्ट वो सिमिलर ही है जो आपने फाफड़ा टेस्ट किया। तो पापड़ी और जो फाफड़ा है, जैसे फाफड़ा भी सॉफ्ट है पर पापड़ी तो बहुत सॉफ्ट है, तो वो बनाने के तरीके में फर्क आता है? हाँ जी, ये जो फाफड़ा है वो हम हैंडमेड बनाते हैं, जो हाथ से ही बनता है। अच्छा, ये पापड़ी है उसमें एक थोड़ा थिकनेस आ जाती है, पापड़ी एकदम पतली है, क्योंकि वो मशीन मेड ही है, तो एक ही तरह से वो निकलता है। ये आपकी जलेबी आ गई और ये फाफड़ा आ गया, और पीछे तारक मेहता का म्यूजिक लग जाएगा। ये फाफड़ा है और ये जलेबी जो है वो हमारी देसी घी का जलेबी है, केसर वाला जलेबी है। ये देखो, ये इनकी दुकान पे ना ये सारी नमकीने हैं। अब मैं यहाँ से ना फटाफट निकलता हूँ, क्योंकि अगर मैं 10 मिनट भी रुका ना, ये सारे पैकेट खोल के ना मेरे को खिला देंगे। ये पैकेट पे पैकेट खोल के ना डाली जा रहे हैं। अभी क्या दिखा रहे हो? ये है तीखा सेव है, तीखा सेव है। हाँ, इधर सेव है, वो संचर वाला सेव है। वो क्या होता है? वो स्पाइसी। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। जो ब्लैक पेपर होता है ना, हाँ जी, उसके अंदर वो डालते हैं। हाँ हाँ, और वो संचर बोलते हैं उसको, ब्लैक पेपर को संचर बोलते हैं। नहीं, संचर भी डालते हैं, और ब्लैक पेपर जो मरी होता है ना उसके अंदर ये भी डालते हैं। थोड़ा लहसुन रहता है इसमें या कैसे? नहीं, लहसुन नहीं होता, लहसुन वाले वो जो शार्पनेस वो किसकी है? नहीं, वो उसका जो उस पर मसाला डालते हैं, उसके अंदर गर्म मसाला डालते हैं, फिर हिंग आता है उसमें, खड़े मसाले थोड़े होंगे, खड़े मसाले है खड़की नहीं उसमें, वो भी आ रही है, वो अच्छापन जैसे वो होता है ना अमचूर, या फिर वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल बड़ा अजीब सा लग रहा है सारे खोले जा रहे हैं। अरे कोई दिक्कत, ये है मूंग का चिवड़ा है, मूंग का चिवड़ा, और इसके ऊपर बूंदी पड़ी हुई है, सेव और बूंदी है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसी चीज़। ये मूंग का चिवड़ा है, तो ये बूंदी नमकीन रहती है, नमकीन है ये पूरा चिवड़ा ही, नमकीन है, उसके अंदर कोई भी स्पाइसेस नहीं आता। चिवड़ा, चिवड़ा किस चीज को बोलते हैं? चिवड़ा दिखा, क्योंकि चिवड़ा तो वो होता है ना पोहे का, पोहे का, ये तो फिर आपने इसको मूंग का चिवड़ा बोला, इसमें चिवड़ा नहीं है, चिवड़ा नहीं, ये पोहे का चिवड़ा। मेरे को जो चिवड़ा पता है वो ये चीज पता है, ये चीज चिवड़ा है। हाँ, ये तो भी उसको भी मूंग का चिवड़ा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका वो क्योंकि मिक्सर ही ऐसा होता है। अच्छा, जो मिक्सर होता है उसको चक का चिवड़ा ही बोलते हैं। बहुत बढ़िया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष भाई। सुभाष भाई, अब मैं आपसे विदा चाहूंगा, क्योंकि मैं देखो ऐसा करता हूँ, मैं दुकान के उधर आ जाता हूँ, तो फिर आप टेस्टिंग थोड़ी रोकोगे, क्योंकि ये इतना सारा भी मैंने खाना अभी नारा। तो ये मतलब मेरे को जो मोटा मोटा समझ आया, क्यों किसी भी दुकान की ना आप 3-4 चीजें टेस्ट कर लो, आपको पता चल जाती है कि दुकान कैसी है। 100% सारे पैकेट खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूरे राजकोट के एयरपोर्ट की है, अहमदाबाद है, बड़ौदा, सूरत है, और आउट स्टेट के अंदर बेंगलोर निकलता है, दिल्ली, नोएडा निकलते हैं। तो शेल्फ आप बोलिए बोलिए। हाँ, तो ऐसे अदर स्टेट में हम भेजते हैं, महाराष्ट्र में निकलता है, बेंगलोर, पुणे निकलता है। शेल्फ लाइफ कितनी रहती है? तकरीबन मिनिमम 2 महीने आप पकड़ लो, 2 महीने। रात में कब तक रहते हैं आपका? फिर वो 5:30 बजे स्टार्ट हो जाता है। हाँ, जो लाइव फाफड़ा मिलता है, लाइव फाफड़ी दोनों 5:30 बजे स्टार्ट होता है। से कब तक? 8:30 बजे। तो अगर मुझे सुबह 9 बजे नाश्ता करना है तो मैं 8:30 बजे क्यों नहीं लेके जा रहा रात?
नहीं वो ऐसा कोई प्रीफर नहीं किया, उसको गर्म ही चाहिए, लाइव बना हुआ होता है गर्म ही चाहिए। अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। अब आपको दिखाते हैं राजकोट का और बढ़िया वाला खाना, ऐसे ही बढ़िया खाना आता है भाजी भाजी में। आप ऐसा करिए, आप थोड़ा सा इधर से उधर होइए। चलो जी, राजकोट सीरीज का एंड करने का टाइम आ गया। जय श्री राम पेंडा वाले से पेंडे लिए, व्हाट बेटर वे टू एंड देन टू ईट ऑथेंटिक पेंडे फ्रॉम राजकोट। ये पेंडा क्या होता है, एक तरीके से क्या 100% पेड़ा ही होता है, इसका नाम बस गुजराती में पेंडा बोलते हैं इसको, ऐसा है ना, और तो कोई बात नहीं। ये शहर का सबसे फेमस पेंडा वाला है। इसका केसर पेंडा मैंने हल्का टेस्ट किया था जब हम लोग ले रहे थे, और बाकी शॉप पे हम लोगों को एक्चुअली शूट करना था, बहुत ज़्यादा रश वगैरह था, तो हम लोग आराम से अपने होटल में आ गए। बस यहीं से अब सामान लेंगे, मीटअप करेंगे पहले, फिर सामान लेंगे और वापस चले जाएंगे। ये चॉकलेट पेंडा है इनका, मैंने बोला होटल में आपको दिखाता हूँ कौन कौन से हैं। ये रजवाड़ी पेंडा है, ऊपर क्या डाला हुआ है, कुछ तो डाला हुआ है, नॉट श्योर क्या है। चारुली वो चिरंजी टाइप होता है, ओके। और ये केसर, और ये जो नॉर्मल पेंडा है, केसर वाला तो बहुत सॉफ्ट है, मतलब ये देखो इसमें ना फोर्स लग रहा है, थोड़ा हार्ड है ये। दिस इज जस्ट, या तो प्रॉब्लमली ये फ्रेश बना है, जस्ट मतलब हाथ से हल्का फोर्स लगा रहा हूँ। ये चॉकलेट वाला भी बहुत सॉफ्ट है, ये दोनों थोड़े हार्ड है, सबसे हार्ड ये वाइट वाला है। चलो टेस्टिंग टाइम, दिस इज आर कंट्रोल। अब आगे वेरिएशंस देखते हैं। ये रजवाड़ी वाला थोड़ा इलायची का टेस्ट है, थोड़ा नटी टेक्सचर है, वेरी नाइस। चॉकलेट वाला, आई बिलीव कि पेंडे को नॉर्मली रहने देना चाहिए, चॉकलेट वाली वेराइटी नहीं ट्राई करनी चाहिए, बट क्योंकि उन्होंने डाल दी तो हम लोग खा लिया। ऐसा लग रहा है कि इसमें चॉकलेट डला नहीं है, कभी कभार क्या होता है ना उसको बहुत ज़्यादा भून देते हैं, उसका कलर डार्क ब्राउन हो जाता है, तो वही चॉकलेट लगता है। और सबसे टेस्टी ये तो मैं ट्राई कर ही चुका हूँ, केसर वाला। जैसे आपने मथुरा के पेंडे सुने होंगे, वैसे गुजरात के पेंडे बहुत फेमस है, एंड राजकोट में पेंडे के लिए जो दुकान है वो जय श्री राम पेंडा वाला। ये थी राजकोट सीरीज, बहुत हम लोगों ने मज़ा करा। अब अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे हम लोग जामनगर का खाना। वेजी बाजी में बढ़िया बढ़िया वेजिटेरियन खाना आते रहता है, पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बहुत गर्मी हो रखी है, कूलर चलाना था और आवाज़ शोर आता है ना, इसलिए बंद कर दिया।